अभी बहुत सारे लड़ना बाकी है। आप लड़ाई करिए, अभी वो आपका साथ है। जिंदगी का नाम है संघर्ष, लड़ते रहो। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। और बिना सोचे समझे साजिश के ऐसे कैसे हो सकता है कि बीजेपी के लोग और हिंदुओं को किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, कई लोग मर गए वहां पर, कई हजार लोग अपने घर छोड़कर आज भी दूसरे राज्य में शरणार्थी की जिंदगी जी रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आया है। एक वीडियो ममता बनर्जी का वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि अभी तो और भी लड़ना बाकी है। आप खुद पहले सुनिए वह वीडियो कि किस तरह से इन शांति दूतों को क्या बोल रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति किस तरह से देश को बर्बाद करके रख दिया। अभी बहुत सारे लड़ना बाकी है, लड़ाई करिए, अभी वो आपका साथ है। जिंदगी का नाम है संघर्ष, इसको लड़ते रहो, हिम्मत से काम करते रहो। जय हिंद, जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला। देखिए अखिलेश यादव को, जो किस तरह से उत्तर प्रदेश को बंगाल के तरह मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो भी हिंदू हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हम उसको सबका नाम लिस्ट बना कर रखे हैं, और जैसे ही हम सत्ता में आते हैं उसको बंगाल की तरह बनाकर रख देंगे। यह समाजवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो एक ही काम किया है पिछले ढाई साल तीन साल से, जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है। जो काम ये आज कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद समाजवादी लोग भी उसी तरीके से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करें। अखिलेश यादव नासमझ बालक अभी भी सपनों में जी रहा है और बोल रहा है कि हमारी सरकार बनेगी। जिस पनौती ने 100 साल से पुरानी ज्यादा पार्टी को धो दिया, तो समाजवादी पार्टी किस खेत की मूली है भाई। अखिलेश यादव और आगे बोला है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग उन सभी लोगों का लिस्ट बनाकर रखे हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, और उन सभी को ब्याज समेत वापस करेंगे। तो अखिलेश यादव सबसे पहले तो ये जान ले कि ये यूपी है, बंगाल नहीं। यहाँ के लोग हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस करना जानते हैं। बीजेपी चाहे हारे चाहे जीते, ये बंगाल की तरह देखते हुए नहीं रहते हैं, ये सीधा बदला लेते हैं। जिस तरह से कार सेवक के ऊपर गोली चलवाया था, उसके बाद क्या हुआ था तुम्हारे बाप का, ये भी याद रखना। और अखिलेश यादव एक बात भी याद रख लेना, यूपी में तो खूंखार मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, अगर उसके एक भी कार्यकर्ता को हाथ लगा कर देखा तो क्या होगा तुम्हारा खुद नहीं जानता। याद होगा विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, आजम खान, अभी आजम खान खा नहीं रहे ऐसा भी सुना हूँ, लेकिन मुख्तार अंसारी ये सब कब तक बचाएगा इन लोगों को। देख लो इन लोगों का कितना बड़ा बड़ा था, क्या हुआ इन लोगों का। अगर तू भी अगर एक भी कार्यकर्ता को हाथ लगा कर दिखाया तो हो सकता है गुजरात दोहरा दे यूपी वाले। ऐसा है, शांत नहीं रहता यूपी वाले। यूपी वाले के बोल रहे हैं ना ब्याज समेत वापस, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस करते हैं। भाई ये वीडियो कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना।